सभी संतों गुरुओं महापुरुषों राष्ट्र भक्तों के उस पावन पवित्र आत्मा को नमन करता हूं। आज विकास खंड कार्यालय के इस प्रांगण में जाड़ता राजा आयोजन समिति सैदपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे मित्र, हमारे सहयोगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी, हमारे मित्र और इस ब्लॉक का बहुत ही सफल संचालन कर रहे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जन में बड़ी ही सरलता और कुशलता के साथ प्रसारित करने वाले, कार्यान्वित करने वाले सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मित्र भाई श्री राजेश सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, परम आदरणीय श्री राम समुज यादव जी कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे सुख दुख के साथी श्रीमान उत्कर्ष पांडे जी, श्री राणा सिंह यादव जी, डॉक्टर शंभुनाथ यादव जी, हमारे मित्र श्री परमेश यादव जी, भारत विकास परिषद और यादव महासभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत यादव जी, रविंदर यादव जी कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे, डॉक्टर अनिल राय जी, सभी हमारे सम्मानित आदरणीय ग्राम प्रधान मित्रगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे विकास खंड के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, प्यारे भाइयों, मातृशक्ति देवियों, कुछ लोग दूर पे भी खड़े हैं, कुछ लोग इधर उधर खड़े हैं, मीटिंग की सूचना दी गई, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुछ लोग सुबह 10 बजे से आकर बैठे थे, यहां पर आए तो एक जाड़ता राजा का बैनर लोगों के सामने दिखा, उसको देखने के बावजूद भी मन में कौतूहल था कि आखिर आज की मीटिंग, आज की बैठक क्यों बुलाई गई, ये जाड़ता राजा क्या है। कार्यक्रम का भी शुरुआत हुई तो हमारे संचालक महोदय ने और हमारे अन्य मित्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में कुछ प्रकाश डाला। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लोगों ने दिया, काशी प्रांत के लोगों ने दिया। मैं आप सबसे जाड़ता राजा क्या है इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के विषय में बताना चाहूंगा। जाड़ता राजा एक मराठी शब्द है, जाड़ता का अर्थ होता है दूरदर्शी, राजा का मतलब आप लोग शासक समझते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसा शासक जो इतना बड़ा दूरदर्शी था, जिसने अपने जीवन काल में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना किया जिसके साम्राज्य में सभी जाति और समाज के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहते थे, जहां पर न्याय का राज्य था, जहां पर धर्म का राज्य था, जहां पर मानवता का साम्राज्य था। दुर्भाग्य से तत्कालीन इतिहासकारों ने
और बाद के इतिहासकारों ने ऐसे महापुरुष जिनकी रोशनी से पूरा विश्व आलोकित हुआ उनके विषय में उतना नहीं लिखे जितना कि दूसरे लोगों के विषय में। मैं एक बात बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि इस भारत के लोगों को यदि अपने भारत के महापुरुषों के विषय में 10 लाइन बोलना पड़ जाए तो हमको आपको पता नहीं है आखिर हम किस कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, इंटर कर लिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है कि हम अपने महापुरुषों के विषय में कुछ नहीं जानते। और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको अपने आप में गौरव नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज आखिर एक जाड़ता राजा, जैसा कि हमारे प्रमुख जी ने, सम्मानित मित्रों ने, बड़े भाई रमेश जी ने, डॉक्टर साहब ने कहा जाड़ता राजा कार्यक्रम में चलना है। आखिर आज के समय इस जाड़ता राजा कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया, क्यों जाड़ता राजा कार्यक्रम में चलना चाहिए? आपका एक प्रश्न हो सकता है ना कि हम कहें कि यह काम करना है, आपको सवाल करना चाहिए कि आखिर जाड़ता राजा क्यों हमें देखना चाहिए। सम्मानित मित्रों, भाइयों, हमारा आपका बड़ा दुर्भाग्य है आज अपने महापुरुषों के कार्यक्रम पे अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल